कविता के अनेक रंगों को समर्पित है नई धारा रेडियो की प्रस्तुति प्रतिदिन एक कविता। कीजिए अपने हर दिन की शुरुआत एक कविता के साथ। आज की कविता है जिलाधीश। इसे लिखा है आलोक धनवा ने। आइए सुनते हैं यह कविता मेरी यानी कार्तिकेय खेतरपाल की आवाज में। तुम एक पिछड़े हुए वक्ता हो। तुम एक ऐसे विरोध की भाषा में बोलते हो जैसे राजाओं का विरोध कर रहे हो। एक ऐसे समय की भाषा जब संसद का जन्म नहीं हुआ था। तुम क्या सोचते हो? संसद ने विरोध की भाषा और सामग्री को वैसा ही रहने दिया है जैसी वह राजाओं के जमाने में थी। यह जो आदमी मेज की दूसरी ओर सुन रहा है तुम्हें कितने करीब और ध्यान से, यह राजा नहीं जिलाधीश है। यह जिलाधीश है जो राजाओं से आम तौर पर बहुत ज्यादा शिक्षित है, राजाओं से ज्यादा तत्पर और संलग्न। यह दूर किसी किले में ऐश्वर्य की निर्जनता में नहीं, हमारी गलियों में पैदा हुआ एक लड़का है। यह हमारी असफलताओं और गलतियों के बीच पला है। यह जानता है हमारे साहस और लालच को, राजाओं से बहुत ज्यादा धैर्य और चिंता है इसके पास। यह ज्यादा भ्रम पैदा कर सकता है। यह ज्यादा अच्छी तरह हमें आजादी से दूर रख सकता है। कड़ी कड़ी निगरानी चाहिए सरकार के इस बेहतरीन दिमाग पर। कभी कभी तो इससे सीखना भी पड़ सकता है। आज की कविता को आप पॉडकास्ट के शो नोट्स में पढ़ सकते हैं। आप जहां भी प्रतिदिन एक कविता सुन रहे हैं वहां अपने कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि नई धारा रेडियो की यह प्रस्तुति हर सुबह आपके व्हाट्सएप पर आ जाए तो हमें इस नंबर पर मैसेज भेजें 7428775376। कल एक और कविता के साथ फिर मिलेंगे।